हाँ जी नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की जो मेडिसिन होती हैं, जो होती हैं मेडिसिन कौन सी वो शो करती हैं उसकी ट्रिक्स के बारे में। ये हमारा थर्ड पार्ट है ट्रिक्स का। इससे पहले हमने दो पार्ट्स बनाए हैं, जिसके अंदर पहले पार्ट में हमने देखा था कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के रिगार्डिंग जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो हमने उसमें डिस्कस की है, जिसका ट्रिक था हमारा सॉफ्ट ब्लैडर के नाम से, जिसमें सोल्फिनासिन, ऑक्सीबुटाइनिन, एफ से हमारा था फेबुक्स्टैट, टी से था टोलटेरोडीन, डिर से था डेरिक्लिनासिन। तो जिस किसी ने वो नहीं देखी है तो उसके में फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा सेकेंड जो था ट्रिक उसका था हमारा नाम जो ड्रग्स थेरेप्यूटिक रेंज के अंदर आती हैं, तो वो भी जो देखना चाहे सेकंड पार्ट में देख सकते हैं। और आज थर्ड पार्ट है हमारा ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट हाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये होता है, जो इसके एक तो दो तीन नाम हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, प्री सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी कहते हैं, हेपाटिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो ये होता क्या है कि जो भी हम मोस्टली ओरली कोई भी ड्रग लेते हैं, तो वो ओरली जब ड्रग लेते हैं तो स्टमक में जाने के बाद वो डायरेक्ट हमारे लीवर में चली जाती है, और वो लीवर में जाने के बाद लीवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारी ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले वो मेटाबोलाइज होगी, या प्री सिस्टेमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिस्टम में सर्कुलेशन में जाने से पहले वो मेटाबोलाइज हो गई है। हेपाटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लीवर में सबसे पहले हो जाती है, तो उसको हेपाटिक मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ लीवर में हो, लीवर के अलावा हमारे जीआईटी में भी होती है उसकी मेटाबॉलिज्म, इंटेस्टाइन में भी होती है, जीआईटी की वॉल में भी होती है। तो मोस्टली होता है हमारा लीवर ऑर्गन जो उसमें इंक्लूड होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो इससे होता क्या है, हमारे ड्रग्स को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ड्रग्स को ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो हमारी ड्रग्स होती है उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है कम हो जाती है, उसका जो एक्शन है थेरेप्यूटिक एक्शन जो उसको शो करना चाहिए वो कम शो करता है, क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म पहले हो गई होती है। तो मोस्टली हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी हो सके वो उसकी ड्रग्स की जो मेटाबॉलिज्म कम से कम हो। बट इसके कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं, कुछ माइनस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार ड्रग हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नुकसान ही करती है, मतलब साइड इफेक्ट ही करती है, कुछ कंडीशंस में वो हमारे को पॉजिटिव इफेक्ट भी देते हैं। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हम आज डिस्कस करेंगे तो जिसमें सबसे ज़्यादा हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसका ट्रिक भी इसी के रिगार्डिंग ही है। नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। एन याद रखना, हैव से एच होगा, लार्ज से एल, प्री से पी, सिस्टेमिक से एस, मेटाबॉलिज्म से एम। तो एन से नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट जो होती है हमारी ओरली, हम क्या करते हैं मोस्टली जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होती है सबलिंगुअल देते हैं, क्योंकि सबलिंगुअल देने से हमारा जो है ओरली ना देने की वजह सबलिंगुअल जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देती है। सबलिंगुअल रूट जो होता है हमारा जो जीभ के नीचे रखते हैं मेडिसिन को। ओके नेक्स्ट है एच से हाइड्रोकोर्टिसोन स्टीरॉइड जो टैबलेट होता है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा शो करता है, इसलिए हम हाइड्रोकोर्टिसोन की कभी टैबलेट नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते, इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उसकी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इंजेक्शन रूट दिया जाता है। लिग्नोकेन भी हमने कभी टैबलेट नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी, इसीलिए उसका भी इंजेक्शन रूट देते हैं। पर पैनोलोल जो होती है उसका बहुत ही हाई होता है, बट ये हम टैबलेट फॉर्म में भी देते हैं और दूसरे रूट से भी देते हैं। सालब्यूटामोल इसका भी बहुत हाई होता है मेटाबॉलिज्म, और मॉर्फिन का भी। तो ये जो ड्रग्स हैं, छह ड्रग्स हमने देखी हैं, जो नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म, एन से नाइट्रेट, एच से हाइड्रोकोर्टिसोन, एल से लिग्नोकेन, ये एनेस्थेटिक होती है, प्रोपैनोलोल बीटा ब्लॉकर होता है, सालब्यूटामोल एंड मॉर्फिन ड्रग्स। तो ये जो छह ड्रग्स हैं इसका जो है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है। तो आई थिंक आज आपको ये समझ आ गया होगा, ट्रिक भी बहुत ईजी लगी होगी। तो ट्रिक्स को ज़रूर आपने शेयर भी करना है, सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो है, कोई ज़्यादा लंबी या बहुत इसमें कुछ दिखाया नहीं गया है, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया गया है, ताकि आप इसको स्किप करो।
तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो ज़रूर ये किसी अपने दोस्तों को और को जो उसकी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे जल्दी, और उसमें फिर कोई नई ट्रिक्स मेडिसिन की लेके आएंगे। थैंक यू।